अरे क्या बताऊँ सिंचन, 2 बज रहे हैं रात को, मेरे को भूख लगी है पर मैं बाहर नहीं जाता। एक तो ये सर्बियन लेडी बहुत खतरनाक है, किसी को भी बाहर पाती है खा जाती है। यार मैं क्या करूँ सिंचन, तू ही बता। अरे यार पिंचन मैं क्या बताऊँ, मैं तो खुद डरता हूँ, मैं तो तुमसे छोटा हूँ ना, तुम तो मुझसे बड़े होके जब डरते हो क्या करे। और वैसे भी सर्बियन लेडी छोटा बड़ा नहीं देखती, जो पाती है उसे खा जाती है। तो हम लोग यहीं पे रहते हैं, नींद नहीं पड़ रही तो क्या हुआ, हम लोग यहीं पे हम लोग बात करके रात काट लेते हैं। ठीक है पिंचन, पर बाहर नहीं जाना प्लीज मेरे भाई, नहीं तो वो सर्बियन लेडी आके खा जाएगी। सही कह रहा हूँ ना चौक, पिंचैन को बाहर नहीं जाना चाहिए। ओ सिंचैन तू एकदम सही कह रहा है, बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर ना सर्बियन लेडी है खा जाती है। मैं तो नहीं जाऊंगा, कितना भी मैं भूखा रहा हूँ। अगर तू जाना पिंचैन तो मेरे लिए लेके आना जरूर पास्ता, ठीक है। क्या बोलता पिंचैन, जाएगा तू बाहर लेने? बताओ भाई, हम लोग ऑर्डर कर देते खाना पर इस टाइम नहीं आ सकता क्योंकि 2 बज रहे हैं, 2 बजे कोई खाना डिलीवरी नहीं करेगा। ठीक है सिंचैन तू जाएगा क्या बाहर, चला जा प्लीज, मेरे को भूख लगी है, परगल ला दे मेरे को एक। तुम्हें जाना पड़े बाहर तो समझ में आया, जला देखो कितना सन्नाटा है। वो सर्बियन लेडी पता नहीं कहाँ डांस कल घूम रही होगी, मुझे पकड़ के खा गई तो मैं क्या करूंगा। हाँ पिंचैन तुम कुछ बोलो यार, क्या बोलते हो? अरे मैं ये सोच रहा हूँ कि फ्रैंकलिन को उठाता हूँ, उसी को भेजता हूँ, वो लेके आएगा बर्गर, वही मुझे चाहता है और हम लोग को बर्गर खा के पेट भर जाएगा ताकि अच्छे से नींद आ सके। क्या बोलता है सिंचैन, फ्रैंकलिन को उठाए हम लोग? मानते वो हमसे बहुत प्यार करते है, पर नहीं हम लोग उनको रात को नहीं भेजेंगे, वो सर्बियन लेडी खा जाएगी उनको। तो देखते हो वहाँ पे हम लोग का दरवाजा नहीं लगा, सर्बियन लेडी कैसे भी हम लोग के घर के अंदर घुस सकती है। और तुम लोग रोज समाचार देखते हो, सर्बियन लेडी कितनी खतरनाक है, खा जाती है, जिंदा छोड़ती नहीं किसी को। तो ठीक है चलो हम लोग सोते हैं, फटाफट तुम लोग आओ, ठीक है? चलो आओ, तुम लोग रुको क्यों? अरे फ्रैंकलिन तुझसे एक बात कहनी है। हाँ बोलो क्या बात है? अरे तू यहाँ पे आ ना तो बताता हूँ। अरे वो ना क्या कह रहा था फ्रैंकलिन, मेरे को भूख बहुत लगी है, तू जाके मुझे बर्गर ला देगा क्या? मुझे भूख से नींद नहीं आ रही है, सिंचैन को भी नहीं आ रही है, बोलना चौप तू भी, तुझे भी तो नहीं आ रही है नींद, जाके तो क्या हम लोगों के लिए बर्गर ला देगा क्या? अगर ला देगा तो अच्छी बात है, ठीक है मैं जाऊँ तुम लोग के लिए बर्गर लेने ताकि वो सर्बियन लेडी मुझे खा जाए ना, यही कह रहे हो ना तुम लोग सिंचैन? सिंचैन हेलो फ्रैंकलिन भैया, मेरा नाम मत लीजिए, मैं तो आपको बोला भी नहीं कि आप जाइए मुझे पिज्जा बर्गर लेके आइए, मैं तो सो जाऊंगा पर आपकी जान खतरे में नहीं डालूंगा। ये तो पिंचैन और चौप का कहना है कि फ्रैंकलिन को भेजते हैं वही जाके बर्गर लेके आएगा। आप तो मेरे भाई जैसे है, मैं आपको भाई मानता हूँ फ्रैंकलिन भैया, अभी भूख लग रही है और सच बताऊँ तो ना मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, मैं तो बस ऐसे लेटा था। वाकई भी तू सही कह रहा पिंचैन, चल चलते अपन लोग लेने बर्गर पिज्जा, ठीक है हम लोग साथ साथ में रहेंगे ना तो वो सर्बियन लेडी हम लोग पे अटैक नहीं करेगी। तो क्या बोलता है पिंचैन, चलेगा तू? अरे फ्रैंकलिन मैं नहीं जाऊँगा, तुम सिंचैन को लेके चले जाओ, ठीक है हम चौप घर की रखवाली करते हैं, क्या बोलते हैं चौप? और पिंचैन तू एकदम ठीक कह रहा, फ्रैंकलिन और सिंचैन चला जाए लेके आए बर्गर पिज्जा, हम लोग घर की रखवाली कर रहे हैं, ठीक है चला पिज्जा पिंचैन मेरे साथ खड़ा हो जाए यहाँ पे। तो ठीक है सिंचैन तू जा सकता है अब। चल ठीक है फिर भी तेरी इच्छा पूरी कर देता हूँ, वैसे भी मुझे डर वर नहीं लगता ये सर्बियन लेडी से, सब बकवास है, सब एक न्यूज है, पैसा कमाने का इंसान को अपना चैनल चलाना है। तो ठीक है तुम तीनों घर पे रहो, मैं जाता हूँ तुम लोग के लिए बर्गर लेके आता हूँ, ठीक है तो तुम लोग यहीं पे रहना। हेलो फ्रैंकलिन भैया मजा आई है, वो सर्बियन लेडी आपको खा जाएगी। अरे सिंचैन डोंट वेरी, चल के देखता हूँ कि ये सर्बियन लेडी होती भी है कि नहीं होती है, इसी बहाने मैं उन लोगों को बर्गर पिज्जा ला के दे दूंगा। अरे ये क्या, ये कौन खड़ा है? सुनो बेटा इतनी रात को तुम बाहर क्या कर रहे हो? अरे वो तो मजा आ रहा था पिज्जा बर्गर लेने, क्यों क्या हुआ, 2 ही बजे तो हैं। तुमने सर्बियन लेडी के बारे में नहीं सुना, रात को बाहर मत निकलना, हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, तुम लोग घर के अंदर रहो, सेफ रहो, समझे ना? क्या सर्बियन लेडी भी होती है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि सर्बियन लेडी होती है। अंकल आप मुझे परेशान मत करिए, मुझे जाने दीजिए। और वैसे आप मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं, आप घर के अंदर आके भी बता सकते थे ना, क्या मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं घर के बाहर आऊँ तब आप मुझे बताएं? अरे बच्चे मुझसे बहस मत करो, तुम जाओ घर के अंदर, समझे ना, घर से बाहर मत निकलना। सर ठीक है ना, आप सर्बियन लेडी को पकड़िए ना, जब आपको पता है सर्बियन लेडी निकली है तो आप क्यों नहीं पकड़ रहे हैं उसे? अरे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको पकड़ने की, वो हमारे हाथ आए कि हम उसे मार डालेंगे, फिलहाल अभी तुम घर के अंदर जाओ। डाउट हो, मैं तो अभी तक सब मजाक में हल्के में ले रहा था कि सर्बियन लेडी होती है होती है, पर अभी मैं जब बाहर गया ना तो एक पुलिस वाला भी खड़ा था, वो पहरा दे रहा था, वो किसी को घर से निकलने नहीं दे रहा, बोल रहा है कि बाहर सर्बियन लेडी है, तुम लोग की जान को खतरा है, तुम लोग अंदर रहो। जब मैंने उससे कहा कि तुम लोग पकड़ के मारते क्यों नहीं, वो बोलता है दिखेगा तो तब मारूंगा ना। तो क्या तुम्हें लगता है सिंचैन की सर्बियन लेडी सच में है कि ये लोग सब झूठी बोल रहे हैं, इसे खाली लोगों को डरवा रहे हैं, पैसा कमाने के लिए न्यूज बना रहे हैं, बोलो? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया मैंने सुना है, आपने तभी सर्बियन लेडी के बारे में सुना है, सिलेंड्रीना भी उसके साथ रहती है, वो भी बच्चों को खा जाती है, रात की रहती है, इसलिए फ्रैंकलिन भैया जाने दीजिए, मत जाइए बाहर, जो देखना ये सर्बियन लेडी कैसे होती है। तो क्या तू मेरे साथ चलेगा पिंचैन चौप सिंचैन, बोलो? अरे हाँ फ्रैंकलिन मुझसे भी उम्मीद मत रखना। अरे फ्रैंकलिन भैया आप घबराइए नहीं, मैं आपके साथ चलने के लिए रहती हूँ। तो ठीक है सिंचैन तू मेरे साथ चल, पर तुम लोग क्यों नहीं जा रहे, तुम लोग भी चलो, अकेले घर में रहोगे तो कहीं वो सर्बियन लेडी या उसकी बेटी आके तुम लोग को खा गई तब क्या करोगे तुम लोग? अगर हम लोग यहाँ पे रहेंगे, अगर सर्बियन लेडी आएगी तो हम लोग घर के अंदर भाग जाएंगे, पर ठीक है तुम लोग जाओ, हम लोग के लिए बर्गर पिज्जा लेके आओ फटाक से, पट्टू लोग हैं इन लोग की बस की बात नहीं है। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया मैं आ रहा हूँ। अरे सिंचैन डरने का नहीं यार, तेरे साथ कौन है? फ्रैंकलिन, तो फ्रैंकलिन के साथ जब रहता है ना तो तुझे डरना नहीं चाहिए। अरे हाँ पता है फ्रैंकलिन भैया आप बहुत बहादुर है, आप नहीं डरते, पर वो सर्बियन लेडी के आगे कोई नहीं टिक पाता है, आपको पता है। अरे हाँ हाँ यार सिंचैन देखता हूँ, पर मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही, हम लोग तो घर से बहुत दूर आ चुके हैं, चलो ठीक है देखते हैं। अरे यार सिंचैन पर मुझे तो ये कहीं पे नहीं दिखाई दे रही है सर्बियन लेडी, जबकि हम लोग घर से बहुत दूर
आ गए हैं। अरे छोड़िए ना फ्रैंकी भैया, हम लोग खाना लेने आए हैं, खाना लेके चलते हैं ना, क्या फायदा, आपको भला मजा आला सेल्वियन लेडी के बारे में जान के, सेल्वियन लेडी कर रहे हैं। जब सामने आएगी ना फ्रैंकी भैया तो आपको देख के सांस रुक जाएंगे, समझे ना। अरे हाँ यार सिंचैन चुप कर, चल हमें फटाक चलते हैं। अरे यार सिंचैन यहाँ पे तो कोई खाने की दुकान नहीं खुली, चल देखते हैं इसे शायद ये खुली हो। अरे फ्रैंकी भैया ये खाने की दुकान नहीं है, ये कपड़े की दुकान है। हाँ यार सिंचैन अपने शहर में खाने की दुकान बहुत कम है क्या, कहीं दिखी नहीं रही है, और जितनी दिख रही है सब बंद दिख रही है, क्या करें यार सिंचैन, हम लोग घर से भी बहुत दूर आ गए हैं, कहीं हम लोग को सर्वियन लेडी ना दिखाई दे दे रास्ते में। अरे फ्रैंकी भैया अभी तो आप टल नहीं रहे थे, अब आपको टल लगने लगी क्या सर्वियन लेडी से, घबराइए मत, हमें कहीं नहीं दिखेगी सर्वियन लेडी, आप चलते रहिए। अरे हाँ यार सिंचैन मैं तो तेरे से मजाक कर रहा था, मुझे डर वर नहीं लगती सर्वियन लेडी से। अरे ये क्या हुआ सिंचैन, हम लोग की गाली को क्या हुआ, पंचायत हो गई, चल भी नहीं रही है, तो कहीं सर्वियन लेडी तो नहीं आ गई फ्रैंकी भैया। अरे चुप कर यार सिंचैन, हम लोग के अगल बगल कोई घर वर नहीं है, हम लोग भाग भी नहीं सकते। अबे सिंचैन क्या मैं देख रहा हूँ जो वही तू भी देख रहा है क्या। अरे हाँ फ्रैंकिन भैया मुझे भी दिखाई दे रही है, सेल्वियन लेडी की बात कर रहे हैं ना आप। हाँ पे सिंचैन अभी तक तो मुझे झूठ लग रहा था, पर वाकई में कितनी खतरनाक है, चल भागते हम लोग यहाँ से। अरे फ्रैंकिन भैया हम लोग की तो गाड़ी खराब हो गई है, अब हम लोग कैसे भागेंगे, वो पुलिस अंकल की बात मान लेते तो हम लोग के दिन ये नहीं आता, बताओ वो हम लोग के पीछे पड़ जाएगी अगर हम लोग को देख लेगी। तो तू घबराना सिंचैन, मैं उसको 100 की स्पीड लगा के इसको मार के चला जाता हूँ, पड़ी उसकी, चल जल्दी भाग, जल्दी से हम लोग निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। अरे हाँ फ्रैंकी भैया जल्दी भागिए यहाँ से। अरे यार सिंचैन मुझे ये लग रहा है कहीं सर्बियन लेडी की लड़की कहीं हम लोग के घर ना पहुंच गई हो, पिंचैन और चौप को खत्म कर दे यार, उन लोग को तो लड़ना भी नहीं आता है, मैं उन लोग से कह रहा था कि हम लोग के साथ चले। अरे ये क्या हो रहा है सिंचैन। अरे हाँ फ्रैंकी भैया हम लोग शहर के अंदर आ गए, फिर भी हमें बहुत डर लग रही है, वो सर्बियन लेडी हम लोग के पीछे पड़ी हो गई मारने के लिए। अरे घबरा मत सिंचैन, अब हम लोग घर चल रहे हैं, ठीक है। फ्रैंकलिन नहीं आया, फ्रैंकलिन को 1 घंटा हो गए, पर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चल चौप हम लोग का रूम में चलते हैं, कहीं वो सर्बियन लेडी की बेटी आ गई तो हम लोगों को खा जाएगी, चल चौप चलते हैं हम लोग अंदर, मुझे बहुत भयानक लग रहा है, देख ऊपर कितना सन्नाटा लग रहा है और हम लोग का दरवाजा खुला हुआ है, कैसे भी आ सकती है वो सर्बियन लेडी, चल ठीक है चलते हैं चौप, क्या बोलता है, हम लोग रूम के अंदर रहेंगे, जबकि फ्रैंकलिन हम लोग को बोल के गया रूम के अंदर रहने के लिए। सीढ़ी पे टहल के आ जाता हूँ, सीढ़ी पे भी नहीं है। नमस्ते दीदी। तुझे मैं खा जाऊंगी, मुझे दीदी मत बोलना, समझा ना। अरे सॉरी दीदी मैं भागता हूँ। चलो अरे भागो पिंचैन, जल्दी से अपनी जान बचाओ यार, वहाँ पे सच में आ गई लेडी की बेटी, जल्दी कर भागते हैं पिंचैन यहाँ से, निकल भाग जाते हैं। मैं तुम्हें खून पी जाऊंगी, समझे ना, मैं ना तेरे को खा जाऊंगी मोटा पिंचैन, डॉगी चॉप। मुझे क्या हल्के में लिया था, मैं हूँ सर्बियन लेडी की बेटी, मैं तुझे खा जाऊंगी रे। अरे प्लीज मेरे को छोड़ दो दीदी, आप बहुत अच्छी हो दीदी, हम लोग को जाने दो, मैं आप लोग का भाई बन जाऊंगा दीदी, जो कहोगी मैं वो करूंगा दीदी, प्लीज मुझे मत मारो दीदी, मेरे फ्रैंकलिन भैया को आ जाने दो। अरे तेरे फ्रैंकलिन को तो सर्बियन लेडी खा गई रे, अब मैं तुझे खाऊंगी। पहले मैं इस चौप का बता, खून पी के बड़ा मजा आया, शरीर में और ताकत आ गई। अरे दीदी मेरे को छोड़ दो प्लीज, तुमने मेरे चौप को खा लिया, अब मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ पैर पड़ता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, मेरे फ्रैंकलिन भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं, अगर मैं मर गया तो मेरे फ्रैंकलिन में बहुत रोएंगे, और चौप से भी बहुत प्यार करते थे, देख लेना मेरे फ्रैंकलिन भैया तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें मार डालेंगे, देख लेना, तुम देख लेना डायन। ठीक है मैं तुझे भी खा जाती हूँ, मैं ये पूरी धरती खत्म कर दूंगी, मैं सबको खा जाऊंगी, मैं हूँ डायन, तुम सब भी बच के रहना मुझसे, मैं तुम सबको खा जाऊंगी जो मुझे देख रहे हो, हा। अरे हाँ हाँ यार सिंचैन चल रहा हूँ। अरे फ्रैंकी भैया गाली लो के, गाली लो के। अबे सिंचैन तू क्या करवाएगा, मेरी गाड़ी इतनी अचानक से रोक रहा है। अरे फ्रैंकिन भैया जो मैंने देखा, क्या आपने उसे देखा? क्या मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैं तो सिर्फ गाड़ी चला रहा था, तेरी वजह से गाड़ी ठुक गई। अरे फ्रैंकिन भैया मैंने नन को देखा, वो नन चुड़ैल जिसको मैंने पिक्चर में देख के रोने लगा था डर के मारे। अबे भाग यहाँ से, डरवाता है जबरदस्ती के, एक तो मैं डरा हुआ ऐसे हूँ, तू और डरवा रहा मुझे। अरे नहीं फ्रैंकिन भैया जला उधर देखिए, जला देखिए वहाँ पे नन खड़ी है। अबे सिंचैन मेरी फटी पड़ी है, तू डरवा मत प्लीज, तेरे हाथ जोड़ता हूँ। देखिए तो फ्रैंकिन भैया, अरे यार ठीक है देखता हूँ, मुझे पर डर लग रही है। हाँ यार सिंचैन वो क्या देख रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अरे फ्रैंकी भैया धीरे धीरे बोलिए, नहीं तो वो अचानक से आ जाएगी सामने। अरे यार नहीं यार सिंचैन नहीं आएगी, चल हम लोग चलते हैं यहाँ से। अरे यार फ्रैंकी भैया जल्दी गाड़ी भगाइए, इसे उड़ा दीजिए। अरे यार भागो, ये नन हम लोग के पीछे पड़ जाएगी तो हम लोग को तो मार के छोड़ेगी यार सिंचैन। अरे यार फ्रैंकी भैया ये नन बहुत खतरनाक है, सर्बियन लेडी से तो जान बच गई पर ये नन से नहीं बचेगी। अरे ठीक है फ्रैंकी भैया जल्दी फटाक से घर चलिए, चलिए देखते हैं हम लोग पिंचैन और चौप का क्या हाल है। हाँ यार सिंचैन आज
मुझे सच में यकीन हो गया, ये नंद और सर्बियन लेडी तो है, पर उसकी बेटी भी है कि नहीं सर्बियन लेडी की। ले हाँ फ्रैंकी भैया होगी, चलिए जल्दी चलिए घर चलिए, बहुत डर लग रही है यार। गाइस आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं। प्लीज यार गाड़ी भी क्यों घूम घूम जा रही है बार बार यार, सिंचन निकल नहीं रही गाड़ी, निकल निकल निकल, कहीं वो नंद ना आ जाए यार। फ्रैंकी भैया निकालिए ये गाली, क्यों नहीं निकल रही। अरे सिंचन क्या मैं यहाँ पे फुटबॉल खेल रहा हूँ क्या, क्या मुझे बहुत शौक है उस नंद से मरने का, पर ये गाड़ी निकल नहीं रही, निकल 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 मेरे भाई निकल जाए यहाँ से प्लीज। अरे यार फ्रैंकी भैया जल्दी करिए, वो आ ली आ ली। अरे यार निकल गाइस गाड़ी निकल, आपने हमारी वीडियो को लाइक लगता है नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिए, हमारी गाड़ी निकल जाए। अरे फ्रैंकी भैया जल्दी करिए जल्दी करिए। ठीक है सिंचन अब हम लोग फटाक से अपन लोग घर चलते हैं, ठीक है अब यहाँ वहाँ नहीं भटकेंगे, घर जाएंगे घर के अंदर कमरे में बैठ जाएंगे दरवाजा बंद करके, जब तक सुबह नहीं होगी घर से अब कभी नहीं निकलेंगे, समझे ना सिंचन। अरे हाँ फ्रैंकी भैया चलिए घर चलते हम लोग फटाक से। मुझे बताओ क्या किया तुमने इनके साथ। अरे मम्मा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इस पिंचैन और चॉप को मार दी हूँ। मेरी बहन नन बताओ तुमने क्या किया, तुमने किसी को मारा कि नहीं। अरे क्या बताएं बहन, उस फ्रैंकलिन और सिंचैन को मारने की मैंने कोशिश की थी पर वो बच के भाग गया, पर वो अब मेरे हाथ से नहीं बचेगा, कहाँ जाएगा, अपने घर तो जरूर ही आएगा, हम इसके घर में ही इंतजार कर रहे हैं ठीक है, जैसे ही आएगा उसे हम लोग जान से मार के खा जाएंगे। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया मुझे भी ऐसा कुछ लग रहा है, क्या हमें घर के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। यार सिंचन मैं तो इतना डर गया हूँ कि मैं तुझसे बता नहीं सकता, मुझे अपने खुद के घर में जाते डर लग रही है, पता नहीं कहीं वो लोग यहीं पे मौजूद ना हो। अरे हाँ क्या करते हैं फ्रैंकलिन भैया बताइए क्या करें। ठीक है सिंचन अंदर चलते हैं देखते हैं क्या हो रहा है, और अगर वो लोग रहेंगे तो हम लोग भाग निकलेंगे यहाँ से ठीक है। अरे हाँ ठीक है फ्रैंकलिन भैया आप अकेले चले जाइए ना अंदर। अरे सिंचन मेरे को तो पागल समझ के रखा है, मैं अकेले जाऊँ तू भी चल साथ में। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया। सिंचन मैंने कहा ना तू आ जल्दी से, सिंचन तू आना मत, वापस चल, ये लोग सब लोग हमारे घर के अंदर फटाक से हम लोग यहाँ से निकलते हैं, चल जल्दी कर जल्दी कर। अरे क्या हुआ फ्रैंकलिन भैया। अरे सिंचन सबके सब हमारे घर के अंदर बैठी हूँ, तीनों के तीनों हमें मार डालती है, अच्छा हुआ तू अंदर नहीं आया, नहीं तो तुझे बचाने के चक्कर में मैं भी मर जाता, चल फटाक से हम लोग घर छोड़ के भागते हैं। अरे यार फ्रैंकलिन भैया हम लोग क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हाँ यार सिंचन मेरे को एक बात याद आ गई। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया जल्दी बताओ, तुम तो ऑल ही टाइम लगा ले हो, जब मैं अवेंजर्स लोग के साथ रहता था ना तो आयरन मैन मुझे सेफ्टी के लिए एक मेरे लिए आयरन सूट बनाया था, तो चल ठीक है मैं उसी को पहन के चलता हूँ और इन तीनों को मार डालता हूँ। फ्रैंकलिन भैया अभी तक क्या कर लेते हैं, आपको पहले नहीं सोचा ये सब, हम लोग कितना डर गए कितना मर गए बताओ, चला पिंचैन चौप का क्या हाल हुआ कुछ समझ में नहीं आता। हाँ तो ठीक है तू घबरा मत, चल ठीक है मैं वो कपड़ा पहनने जा रहा हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया पहले गाड़ी तो बाहर निकालिए। अरे हाँ हाँ ठीक है आज बहुत पावर है, मैं इस पावर से इंधन को और सर्बियन लेडी को और उसकी बच्ची को मार के भगा दूंगा। ठीक है सिंचैन क्या बोलता है चलते हैं, तैयार हो तुम इस जंग के लिए बताओ। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं तो कह नहीं सकता आप कितने स्मार्ट लग रहे हैं, आपका बल्कि बाहर से ऐसा लग रहा है कि टोनी स्टार्क हो। अरे तो फिर अपन है कौन, है कौन पता जल्दी से। अरे पता है आप फ्रैंकलिन है ठीक है, तो चल जल्दी से गाड़ी में बैठ, मैं फटाक से चलता हूँ और उस लोग को मार के उन्हें भगाता हूँ अपने घर से। ठीक है सिंचन हम लोग तो अपने घर में पहुंच चुके हैं, पर वो बेवकूफों को पता नहीं है कि हमारे घर का दूसरा रास्ता है, वो लोग नीचे ही से हम लोग का इंतजार कर रहे होंगे, तो चल हम लोग अब फटाक से नीचे चलते हैं धीरे धीरे। चल तू मेरे पीछे आ सिंचन। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया ठीक है मैं आपके साथ हमेशा हूँ ठीक है, धीमे धीमे हम लोग चलते हैं ठीक है, आवाज मत करना बिल्कुल भी। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया आप घबराइए मत, मैं बिल्कुल आवाज नहीं करूंगा। तो हाँ गाइस आपने अगर हमारी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। क्या देख रही हूँ मैं, इधर आ गया जरा मेरे को देखो। अरे मम्मा वो आ गया फ्रैंकलिन। अरे बच्ची तू क्या बोल रही है, तेरे को रुक जा बताता हूँ, अभी तुझे ही पहले मारता हूँ। अरे कहाँ भागी जा रही, भागी जा रही, रुक रुक कहाँ जा रही है सर्बियन लेडी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा। अबे यार ये लोग कहाँ भागी जा रही है, फटाक से मैं इन लोगों को गोली चलाता हूँ ठीक है, मार रहा हूँ कहाँ जा रही है। अरे बच्चों भागो भागो भागो, ये कौन सी बंदूक। अरे यार मैं भाग क्यों नहीं पा रहा हूँ यार, दोस्तों मुझे जल्दी से पहुँचना, उन लोगों को छोड़ना नहीं है नहीं तो ये लोग फिर हम लोग पे वार करेंगे। अरे ये सब कहाँ गायब हो गए। अरे यार गाइस ये कहाँ चली गई, ये लोग इतनी स्पीड में इन लोग भागती हैं, मैं भाग नहीं पाया। चलो ठीक है फिर भी उन लोगों ने हमारा घर तो खाली कर दिया, अब टेंशन नहीं है। अब यार मैं चढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। अरे 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 ठीक है मैं उड़ के चलता हूँ अपने घर। चौप पिंचैन चॉप क्या हुआ तुम लोग को। हेलो फ्रैंकलिन भैया उस डायनो ने हमारे चॉप और पिंचैन को मार दिया, अब हम क्या करेंगे फ्रैंकलिन भैया, चॉप तो मर गया। अरे यार मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है, मेरा चॉप ठीक है, पे मैं अपने असली रूप में आता हूँ, ये कपड़ा उतारता हूँ, चॉप और पिंचैन को उस डायनो ने मार दिया, अब हम कैसे अपने चॉप को पिंचैन को बचाएंगे। हेलो फ्रैंकलिन भैया घबराइए नहीं, अगर हमारी ऑडियंस जो बच्चे हमें देख रहे हैं वो कमेंट्स में पार्ट 2 लिखेंगे ना तो हम अपने चॉप और पिंचैन को जिंदा कर सकते हैं। कमेंट्स में पार्ट 2 लिखेंगे ना दोस्तों प्लीज लिखना, मेरा चॉप मेरा पिंचैन जिंदा हो सके प्लीज। और अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर दीजिएगा। यार गाइस अगर तुमने हमारी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो और कमेंट्स में पार्ट 2 लिखना ताकि अपने पिंचैन और चॉप को जिंदा कर सके। तो हमारी वीडियो यहीं से खत्म होती है, थैंक यू बाय बाय वीडियो देखने के लिए।